3 मई को पूरे विश्व में विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन पत्रकारिता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्रकारिता से संबंधित अपने अधिकार क्षेत्र को आज ही के दिन इस पर चर्चाएं होती हैं और इसे परिभाषित भी किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार राजीव दत्त पांडे और डॉक्टर मुमताज खान ने अपनी बातों को कुछ इस तरह से रखा। आज वर्ल्ड प्रेस डे है, अखबार वर्सेस सोशल मीडिया कितना सही है, क्या है, आप इसके बारे में जरा बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको इस अवसर पे ढेर शुभकामनाएं दूंगा, अपने दूसरे साथियों को भी शुभकामनाएं दूंगा। दूसरे आपका जो सवाल कि सोशल मीडिया बनाम अखबार, तो ये कोई संघर्ष इनफैक्ट नहीं है। समझना की ज़रूरत ये है कि अभी जो सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं जो सोसाइटी के प्रति बहुत प्रतिबद्ध लोग हैं। वहाँ बहुत सारे अनट्रेंड लोग हैं, असंगठित रूप से काम करने वाले लोग हैं, अभी वहाँ बहुत मैच्योरिटी नहीं है। आप देखते होंगे अक्सर वहाँ कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो सच नहीं होता। कई बार हम बहुत पुराना वीडियो शेयर होते देखते हैं, बहुत ही दूसरे संदर्भों में कंटेंट शेयर होते देखते हैं, लेकिन इन सब के बीच में अखबार आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं और भविष्य में भी बनाए रखेंगे, क्योंकि अखबार में काम करने वाले मैक्सिमम लोग ट्रुथ ट्रेलर हैं, सत्य बोलने वाले हैं। वहाँ जो छपता है पब्लिक को उस पर यकीन होता है, उस पर भरोसा होता है। वो सोशल मीडिया पे कुछ भी देख ले, किसी भी माध्यम के जरिए देख ले, लेकिन उसको भरोसा अखबार की ही चीज़ों पर होता है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को लोगों के बीच में बहुत जिम्मेदार पोजीशन अख्तियार करने में काफ़ी वक्त लगेगा। आप ये बताइए, अकाउंटेबिलिटी तो उनकी कुछ होती नहीं है किसी के प्रति, तो आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार की ओर से कुछ सख्त नियम चाहे कुछ इस तरह के कानून बनाने चाहिए सोशल मीडिया को अंकुश लगाने के लिए? देखिए, सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने के लिए सरकार ने हाल के दिनों में काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं। बहुत सारी निगरानी हो रही है, शिकायतें होने पर FIR दर्ज होती है। अभी पिछले दिनों महाराजगंज का एक वाकया सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति पर सोशल मीडिया का एक वीडियो देख करके FIR दर्ज हो गया। वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी सोसाइटी में अपनी एक हैसियत रखता था, लेकिन वो एक बहुत ही शर्मनाक वाकई में गिरफ्तार होकर जेल भी चला गया। उसमें पुलिस की लापरवाही भी दिखाई दी कि उन्होंने उसकी पड़ताल नहीं की। तो इन सब वारदातों से पुलिस भी सबक ले रही है और उन लोगों ने भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सब पे निगरानी रखनी शुरू की है और जहाँ शिकायत होती है वहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, एक्शंस भी हो रहे हैं। सर, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इस पे आप क्या कहेंगे, कितनी स्वतंत्र है हमारी मीडिया या देश की मीडिया? देखिए, जो आज हमारा विश्व या अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस है, बहुत जैसा कि इसको देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, तो ये बहुत पहले 1991 में इस बात को जब सोचा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और करते करते 1993 में 3 मई को ये दिवस मनाए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान लिया गया। दरअसल ये क्यों किया गया, इसके पीछे एक बड़ा मकसद भी था और वो मकसद ये था कि जो जर्नलिज्म है उसको कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए और इस स्वतंत्रता के उल्लंघन पर उन्हें किस प्रकार से अंकुश लगाया जाना चाहिए, ये मुख्य इसका उद्देश्य है। और उसमें तरह तरह के निर्णय भी हैं कि किस तरह से उसको, उसकी काट छाट की जाए, किस तरह से उन पर अंकुश लगाया जाए, किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये सारी चीज़ें हैं। आज विश्व के तमाम देशों में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ना है या हत्याएं हैं वो ये जो पत्रकार जगत है उससे जुड़े लोगों की होती हैं और हो रही हैं। भारत देश में भी लगातार इस पर अगर इस आंकड़े को जुटाया जाए तो 10 वर्षों में तो हज़ारों की संख्या में लोगों की हत्याएं हुई हैं, प्रताड़ित किए गए हैं और लोगों को तरह तरह की दिक्कतों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कहने का आज के दिवस पे कि हमें ये जानना होगा कि हमारी जर्नलिज्म को कितनी फ्रीडम है, हमारे प्रेस को कितनी फ्रीडम है। जब हम ये जान लेंगे तो निश्चित तौर से जो समाज में
विसंगतियाँ बनती हैं, सामंजस्य का बिगड़ाव होता है, वो नहीं हो पाएगा। और ये विश्व स्तर पे इसकी चिंता 1993 में कर दी गई थी, तो इसके पीछे एक बड़ी मंशा है और उस मंशा का हमें ध्यान रखना होगा, तब जाकर के ये दिवस की सार्थकता हो पाएगी।